हेलो फ्रेंड्स, भिवंडी टाइम्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भिवंडी पूर्व आमदार रईस कासम शेख की 25 लाख की निधि से म्यूनसिपल स्कूल नंबर 6 के गटर, वॉल कंपाउंड और 3 नए क्लासरूम के काम का उद्घाटन। दोस्तों, आप जो इस वीडियो में जो जगह देख रहे हैं वो है चिश्तिया मस्जिद शांति नगर भिवंडी ईस्ट का। रईस शेख ने खुद यहाँ पर आकर स्कूल के काम का उद्घाटन किया। आमदार रईस शेख साहब ने वहां मौजूद लोगों के साथ बातचीत की, आइए देखते हैं इस वीडियो में। मैंने फंड भी दे दिया, मुंबई से पानी भी लाके दिया, अभी म्युनिसिपैलिटी को खाली चाहिए ना। आमदार साहब ने 2 एमएलडी पानी पास कर लिया है और अभी जो पानी है वो तुम्हारा जो बूंद बूंद आ रहा है अभी फव्वारा आएगा, ये सब देन किसकी है? आमदार साहब काम चालू करना है। देखो, इतना दिन इंतजार किए, 15 दिन और इंतजार। मुझे ये लोग पकड़ो, तुम तैयार हो जाओ। नीचे भाई, लेकिन पानी से बहुत परेशान। नहीं, अभी सब अच्छा हो जाएगा। 1700 रुपए बिल आ रहा, घर में क्या चल रहा है? जैसे आप बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं माँ बाप तक के बनेगा गटर के और आगे तक जाएगा। मेरी जवाबदारी तो नगर से उठती है, मैं स्कूल का करके दे रहा हूँ। अरे बाबा, तुम्हारे जितने ये कार्यकर्ता है ना, जितने मैं 9 महीने से फंड भी दे चुका हूँ, पानी का भी कर चुका हूँ, इनको उद्घाटन करना है। अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ, मालूम है? तो मैं स्कूल की बाउंड्री और 3 क्लासरूम बना के दे रहा हूँ। तालीम पे ध्यान दो पहले। तालीम पे तो ध्यान देंगे भाई, लेकिन रोजमर्रा की चीज पानी भी है ना, वो कल मेरी जवाबदारी, वो मेरी जवाबदारी, लेकिन तुम्हारी जवाबदारी बच्चों को पढ़ाओ। अभी देखो तुम्हारे ना घुटना, वही बच्चों को दो, इसी से बीमारी होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किधर है? प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि जिसकी तालीम आप लोग दे रहे हैं। जो मैंने स्टडी किया है भिवंडी शहर में, कि नर्सरी जिसको आप कहते हैं, जिसको आंगनवाड़ी कहते हैं, आंगनवाड़ी से लेके तो 8वीं जमात तक जो बच्चे आते हैं, 10वीं तक जाते हैं, वो अपनी तालीम 10वीं तक की मुकम्मल नहीं करते। आप मानेंगे कि ड्रॉप आउट रेट भिवंडी का पूरे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है, और ये किसी भी जो बस्ती है, शहर है, कोई कौम है, उसके लिए बहुत फिक्र की बात है कि तालीम के लिए बच्चे पूरी तरह से तालीम नहीं पा रहे। अब उसमें मैं अपने आप को, मैं आमदार हूँ ये मत सोचिए, मैंने हमेशा एजुकेशन में काम किया है, और एजुकेशन में काम करने से ही समाज बदलता है। हमारे हालात बदलना है तो तालीम का मैार बदलना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये स्कूल को एक मॉडल की तरह बनाने का इरादा किया है। अब उसमें कुछ अड़चने हैं, जहाँ समाज के लोग, हमारे कॉरपोरेटर भाई, उनको भी मैं कई बार बुला चुका हूँ, और टीचर्स, मुझे सबका ताउन चाहिए। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना अच्छा नहीं है, सबसे गरीब इलाका है। यहाँ पर आज मैं सारे HMs को मेरे निजी से 25 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर देके जा रहा हूं। लेकिन आप सोचिए, मेरा खत जो है जनवरी में गया है कभी म्युनिसिपैलिटी को कि मेरा 25 लाख रुपए स्कूल पे खर्चा करो। कलेक्टर ने मार्च महीने में इनको पैसा दे दिया, और आज हम खड़े किधर है? नवंबर में। इनका आदेश, यानी इनका खुद का वर्क ऑर्डर जो है वो 8वें महीने का है। देर सही, कुछ लोगों की कोशिश है कि रईस के जरिए काम नहीं हो। उन सब भाइयों को मेरा कहना है कि मैं मेरे घर का काम नहीं कर रहा हूं, मैं ये इलाके का काम कर रहा हूं। ये 25 लाख रुपए है, ये तो वर्क ऑर्डर है। उसके अलावा इस वर्क ऑर्डर में सिर्फ 2 क्लासरूम है, हम 3 बना के दे रहे हैं। उसके बाद जो ड्रेन का काम हो रहा है, जो वॉल कंपाउंड का हो रहा है, वो सब भी हम लोग किसी तरीके से करा रहे हैं। तो यानी कुल काम यहां पे 50 लाख रुपए का होगा। ये एक हिस्सा हुआ। इस इमारत में जो काम करना है वो सरकार कहती है, म्युनिसिपैलिटी का ही फंड लग सकता है। तो मेरे जो बुजुर्ग यहां खड़े हैं, जो इलाके के लोग खड़े हैं, आपसे गुजारिश है कि काउंसलर लोग को बोलिए, मैंने कमिश्नर से भी बोला है, मेरे खत भी है, कि आप इस इमारत की दुरुस्ती में जो भी ठीक ठाक करना है उसमें 30 लाख रुपए खर्चा कीजिए।
और मैं मेरे तमाम भाइयों से कहता हूँ, बहनों से कहता हूँ, हमारी एक गटर नहीं बनेगी चलेगा, हमारी स्कूल की इमारत बननी चाहिए। हम लोग रह लेंगे, आधी रोटी खा के रह लो, लेकिन अपने बच्चों को तालीम दो। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, तालीम बुनियाद है। आपके नबी, मेरे नबी सब ने क्या कहा है, अल्लाह का हुक्म क्या है कि तालीम लो। इंसान और जानवर में क्या फ़र्क होता है, उसके अंदर तालीम होती है। ये एक हिस्सा हुआ। दूसरा, मैंने सर लोगों से काफ़ी मीटिंग ली, आप भी थे सर, मैंने कहा है कि कम से कम दो स्कूल जो है, यहाँ चार स्कूल चलती है, 6 नंबर 17 91 और 90, कोई भी दो स्कूल में सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड को सेमी इंग्लिश करो, यानी कि उर्दू भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। इसके लिए कॉरपोरेशन के पास टीचर नहीं है। मैं मेरे जरिए से इंशाल्लाह ताला इस स्कूल को जितनी टीचर रहेगी, जब तक मैं हयात हूं यहां पे, उनकी पगार मैं दूंगा। लेकिन मैं कमिश्नर लेवल पे भी बात कर रहा हूं, तो कमिश्नर इसको सेमी इंग्लिश नहीं कर रहे। रऊफ सर, आप सब, मैडम, आप लोग लगातार कोशिश कीजिए कि अगले अकेडमिक ईयर में जो है, हम लोग यहाँ पे कम से कम दो स्कूल में सेमी इंग्लिश। मैं चारों के लिए तैयार हूं, मैं नहीं कह रहा दो, मुझे सबने कहा कि दो पहले करो, उसकी टीचर्स का अपॉइंटमेंट, उसकी सेमी इंग्लिश करना, ये प्रोसेस के लिए आप लोग पीछे पड़िए। मैं भी हमारे जावेद लोग जो काम कर रहे हैं, सबसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर वो कीजिए। दूसरा, आसपास जितनी आंगनवाड़ियाँ हैं, वो आंगनवाड़ियों में भी हम काम करेंगे, बच्चों को वहीं से इंग्लिश सिखाना शुरू करेंगे। मेरे को इंग्लिश से कोई प्यार नहीं है, मेरी जबान उर्दू है, लेकिन रोजगार की जबान इंग्लिश। मेरा बच्चा उतना ही अच्छी उर्दू बोलना चाहिए, उसको मजहबी तालीम भी उतनी होनी चाहिए, उसको उर्दू जबान में जितनी अदबी तालीम दे सकते हम देंगे, लेकिन साथ साथ उसको अंग्रेजी के लिए भी तैयार करेंगे। हम अपने माशरे से कभी उर्दू नहीं निकालेंगे, उसको और मजबूत करेंगे, लेकिन बाहर जाके वो कम्पीट कर सके, रोजगार ले सके, इसलिए उसको इंग्लिश सिखाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे क्लासरूम बढ़ेगा, इस साल हम पहली करेंगे, अगले साल दूसरी करेंगे, फिर तीसरी करेंगे, चौथी करेंगे, पांचवी करेंगे, दसवीं तक जाएंगे, सब टीचर्स हम देंगे। और अगर कॉरपोरेशन के पास टीचर्स दसवीं के लिए नहीं है, वो भी मैं करने को तैयार हूँ। यानी ये स्कूल की जो ज़रूरत है, इंशाल्लाह हम लोग पूरा करने के लिए, लेकिन उतना ताउन मुझे कॉरपोरेशन से नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? आमदार कॉरपोरेशन को नहीं चलाता, आमदार असेंबली में है। यहाँ पे हमारे कॉरपोरेटर भाइयों का हमको सपोर्ट चाहिए। जो यहाँ पे मकामी लोग खड़े हैं, यहाँ पे बुजुर्ग लोग काफ़ी हैं, आप लोग उनसे बोलिए कि मैं भी, मुझे कोई एतराज़ नहीं उनके साथ काम करने के लिए, वो भी हमारे भाई है, पर ये अच्छे नेक काम में हमारा साथ दीजिए। और इस इलाके में ये स्कूल के जरिए एक तब्दीली लाने की कोशिश मेरी है। हर बच्चे को एक अच्छी तालीम देना ये हम सबका फ़र्ज़ है, उसको कैसे भी पूरा करना है, माशरे के अंदर कैसे हम लोगों को, बच्चों को रहना है। बच्चे कुछ भी खाते रहते हैं, अजान उजान कुछ अभी। हाँ, एक और अहम बात, आपका स्कूल को मैंने एक डिजिटल क्लासरूम दिया है, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और एक क्लास का अच्छा माहौल, एक मॉडल क्लास की तरह। तो ये इंशाल्लाह पहला स्कूल रहेगा जहाँ पे डिजिटल क्लास होगा, जिसके लिए पैसा मैंने कॉरपोरेशन को आज ही साइन किया है। और भिवंडी शहर में 20 डिजिटल क्लासरूम हम लोग खोल रहे हैं अलग अलग स्कूल में। मैं एक माहौल चाहता हूँ तालीम का। अमर साहब, ये बताइए कि आपने इस स्कूल को खोल लिया हुआ है, और यहाँ पर जो समस्या थी उसे देखते हुए आपने यहाँ की समस्या दूर करने की कोशिश की है। आपने अपने भाषण में यह कहा कि जिस तरह से आप छोटे छोटे मुद्दों को लेकर आप लोग सामने आते हो, शिक्षा को लेकर क्यों नहीं आते? नहीं, ये भिवंडी शहर हम सबका दुर्भाग्य है कि मैं कहीं भी जाता हूँ, हर मुद्दे पे बात होती है, शिक्षा पे बात नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि जो बुनियादी सहूलत जिसको अपन कहते हैं, उसमें सबसे पहला नंबर पे शिक्षा आए। और शिक्षा का अभाव आज इतना है कि हमारे स्कूलें ठीक नहीं हैं, हमारे हायर एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं है। तो हम, मैं सबका ध्यान, समाज का, नगर सेवकों का, सबका ध्यान शिक्षा की तरफ लाना चाहता हूँ। ये स्कूल एक एग्जाम्पल है।